तो भाई लोग अपनी आज की टॉपिक है हाउ टू रिमूव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन इंस्टाग्राम। तो आप लोग देख लो भाई ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो किस टाइप की रहती है। ये सिर्फ इस टाइप की नहीं रहती और भी टाइप्स रहते हैं, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हो। पहले अपन वो सीख लेते हैं। तो पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है, फिर आपको भाई प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको भाई राइट साइड के टॉप पे 3 लाइन देखिए, उस पर क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, फिर आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर आपको अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ आपका पोस्ट दिख जाएगी, पर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं उनको शुरू से समझा। तो देखो भाई ये जो स्ट्राइक है, जब भाई आपने एक बार भी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं किया होता तबको इस टाइप का दिखता है। देखो भाई स्ट्राइक हमको तभी मिलती है जब हम इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं। अब भाई देखो यार, अब लोग ये भी पूछते हैं कि क्या भाई इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करने से हमारा अकाउंट डिलीट हो सकता है? तो हाँ भाई आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो अगर आपको ढंग से जानना है कि भाई ये क्या होता है, ये डिलीट हो सकता है फिर नहीं हो सकता, इसे रिमूव कैसे करना है, आपके भाई जितने भी डाउट है ना वो मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वो क्या करना है भाई लोग, वीडियो में तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो देख लो भाई, जब अपन ने इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को एक बार भी ब्रेक नहीं किया होता तो हमको ऐसा दिखता है, यू हैवंट पोस्टेड एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर अकाउंट स्टेटस। ये दूसरा रहता है, ये ऐसा हमको तब देखेगा जब अपन इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को एक बार ब्रेक करेंगे, जब दो बार ब्रेक करेंगे तब ऐसा, तीन बार ब्रेक करेंगे तब ऐसा। अब भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करने में क्या क्या आता है भाई, जैसे कि आपने हम देखेगा योर कमेंट गोस अगेंस्ट अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्या दिखा रहा है, ऑन वायलेंस और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो अपन अगर किसी को कमेंट में गाली गलौज करते हैं, ये सब करते हैं, तब उनको भाई एक स्ट्राइक मिल सकती है। अब भाई वो उसी पे नहीं है, जैसे इसमें लिख रहा हेट स्पीच, भाई अलग अलग टाइप के स्ट्राइक मिलती है भाई, पोस्ट पे भी मिल सकती है। अगर आप पोस्ट में उल्टा सीधा कुछ अपलोड करते हो, वीडियो में अपलोड करते हो, आप डीएम में किसी को गाली गलौज करते हो, भाई किसी को कुछ भी उल्टी सी स्टोरी शेयर करते हो, उसे अपनी स्टोरी में अपलोड करते हो, या भाई आप ऐसा कुछ भी करते हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए, आप भाई क्या करते हो, आप भाई स्पैम करते हो। स्पैम में क्या रहता है, लाइक डिसलाइक बार बार ढंग ढंग लगे रहते हो, आप भाई फॉलो अनफॉलो करते हो, भाई एक लिमिट रहती है, 15-20 से ज़्यादा आप लोग को एक दिन में फॉलो अनफॉलो मत किया करो, वरना फिर भाई ये एक स्पैम में कहलाता। तो ये सब जो चीज़ें अगर आप बार बार करते हो तो आपको भाई एक स्ट्राइक मिल सकती है। भाई स्ट्राइक में क्या रहता है कि भाई देखो दो तीन बार छोड़ेगा इंस्टाग्राम, पर ये रहता है कि भाई इंस्टाग्राम ये कहता है कि अगर आप हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को बार बार मतलब रिपीटली अगर ब्रेक करते हो लगातार, तो उससे क्या रहता है कि आपका जो अकाउंट है ना वो परमानेंट वो रिमूव कर सकता है। और भाई ऐसा है कि कभी कभार तो आपको बता देगा कि रिमूव कर रहा है, पहले वार्निंग दे देगा, पर भाई कभी कभार तो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट उड़ा देगा। अब उसका सॉल्यूशन भी जान लेते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया हो कि किन किन वजह से आता है। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं अगर आप करते हो और आपने गलती कर भी दी है तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक बार कर दी अब दोबारा मत करना, क्योंकि अगर आप बार बार करते हो तो आपका अकाउंट उड़ सकता है। पहले यहाँ पे आप पढ़ लो, ऐसा तब लिखा हुआ आएगा जब आप 3 बार कम्युनिटी गाइडलाइंस को इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करोगे। तो जैसे लिखा हुआ आ रहा है, योर अकाउंट में बी डिलीटेड, सम ऑफ योर प्रीवियस पोस्ट डिडंट फॉलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, इफ यू लर्न एंड फॉलो आवर गाइडलाइंस यू कैन प्रिवेंट योर अकाउंट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपकी जो कुछ पुरानी पोस्ट अपलोड ये सब जो हैं ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ गई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो अकाउंट है वो डिलीट ना हो तो आपको जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उन्हें पढ़ लेना है, सीख लेना है और उन्हें फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हो, उसे बार बार ब्रेक नहीं करते हो तो आपको जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। तो भाई साफ साफ ये लिखा हुआ है, तो अगर आपसे गलती हो गई तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, पर आप दोबारा मत करना। अब तो सॉल्यूशन ये है कि देखो यार, पहली बात तो ये है कि आप लोग बोलोगे कि भाई कोई तरीका बताओ। देखो भाई पहला तरीका तो ये है कि जब भी अपन ऐसा कुछ करते हैं तो अपन पे रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, तो अगर भाई आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है फालतू में मिला तो आप रिव्यू करा दोगे ना, तो भाई वो अपने आप रिमूव कर देगा इंस्टाग्राम, वो फिर से चेक करेगा और वो रिमूव कर देगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको भाई इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बैक आओ, फिर आपको हेल्प पे क्लिक करना है, फिर आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में क्लिक करना है, फिर आपको फिर से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको भाई गैलरी पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको भाई ये चीज़ पेस्ट कर दें। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे भाई कॉपी पेस्ट मार देना, मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आपको क्या करना है, आपको भाई सबमिट कर देना, सबमिट करोगे ना फिर उसके आपको जो फीडबैक है वो इंस्टाग्राम में पहुंच जाएगा। अब देखो भाई इंस्टाग्राम का रिस्पांस मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ही कम लोग को मिलता है, फिर भी भाई ये एक तरीका है जिससे भाई कुछ लोग मतलब बहुत से लोग हैं जिनके जो स्ट्राइक है वो रिमूव हो चुकी है। अब देखो भाई अपन देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है इंस्टाग्राम की तरफ से कि वो रिमूव करती है या फिर नहीं करती है। अब अगर बात करें ऑटोमेटिक कूल डाउन होने की कि भाई अपने आप कब रिमूव होगी, तो भाई देखो यार इसके 3 तरीके हैं, पहला रिव्यू कराने का, दूसरा भाई रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का, तीसरा ये कि भाई आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा।
रहेगा। हाँ भाई, एक साल में ही रिमूव होती है जो स्ट्राइक है ना। आप अगर सर्च करोगे गूगल क्रोम पे, तो भाई अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ये रूल है कि जो कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक रहती है वो भाई एक साल में रिमूव होती है। दोनों प्लेटफॉर्म में सेम यही बात है, तो भाई ऐसा ही रहता है। तो भाई आपको एक साल का सीधी बात है यार, वेट तो करना पड़ेगा तभी भाई वो रिमूव होगी। अब भाई बात याद है कि भाई यार आप कोई और तरीका बता, तो भाई और कोई तरीका है ही नहीं। अब भाई मैं खोज के कहाँ से निकाल लूँ जब भाई है ही नहीं तरीका। मैं इसका भाई मालिक तो हूँ नहीं इंस्टाग्राम का जो भाई मैं कोई और तरीका निकाल लूँ। देखो भाई इसके जो गिनत चुने तरीके हैं मैं आपको बता चुका हूँ। भाई दिक्कत ये रहती है ना कि भाई जिसे भी ये स्ट्राइक मिलती है ना, तो बहुत सारे लोग को ये रहता है कि उनकी मोनेटाइजेशन रहती है। देखो भाई मैं तो, मेरे को तो ये सब अभी मैं इन सब का यूज़ नहीं करता क्योंकि भाई मेरे ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो भाई लोग ये मोनेटाइजेशन रहती है ना वो भी भाई ऑफ हो जाती है, तो उस वजह से ये दिक्कत रहती है कि भाई हम मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया या भाई हम ब्रांड ब्रांड से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, भाई कमाई भी बंद हो जाती है लोग। तो भाई बात ये है ना कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और उसका एक टाइम रहता है। ये एक साल को तो स्ट्राइक का है, पर अगर आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ हुई है ना तो भाई वो 90 डेज के अंदर, हाँ भाई 90 दिन के अंदर वो पहले जैसी सही हो जाएगी। हाँ तो भाई उसकी 90 दिन का रहता है, तो मतलब 3 मंथ मान लो। मतलब अगर आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी इंस्टाग्राम ने, तो आपको अजीब लिखा हुआ आ रहा होगा अजीब सा, भाई लोग को और भी आते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, ये सब भी लिखा हुआ आता है। भाई ये सब जो है ना इसका ये सॉल्यूशन, देखो भाई मोनेटाइजेशन तो 3 महीने में आएगी, इसलिए इसके लिए 1 साल लगेगा। और दो सॉल्यूशन ये कि भाई आपको रिव्यू करा लेना है ना, और भाई 1 साल का वेट करना है वरना रिपोर्ट का प्रॉब्लम कर देना। भाई इसका ये सॉल्यूशन है, और भाई इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। आप कितनी भी वीडियो देख लो इसका ये सॉल्यूशन है, इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो। तो आपको भाई इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो भाई मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। आप सब लोग, आपको अगर कोई और भी परेशानी आ रही है इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करो, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी क्रिएट कर दूँ। तो भाई मेरी वजह से अगर आपकी कोई हेल्प हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। सो आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।